मैच नंबर 7 है। आज टोटल 11 मुकाबले खेलने, इसके बाद और 4 मुकाबले बचे, 11वां मुकाबला फाइनल का होगा। यानी इसके बाद सभी मुकाबले 3 ओवर के खेले जाएंगे और फाइनल के मुकाबले के पहले विचार किया जाएगा 2 ओवर या 3 ओवर। जितनी ज्यादा धूप होगी, छाव होगी, तैसे मुकाबले खेले जाएंगे, जैसे अंधेरा होगा उस हिसाब से ओवर कम किए जाएंगे। अपरकट और ये सेकंड स्लिप के हाथों में पहला विकेट, ओ बिग विकेट, फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिला है इस वक्त वडविस्सी टीम को और बल्लेबाज आउट हुए हैं सचिन पाटिल, 2 रन बनाकर बैक टू डगआउट। सचिन पाटिल की पारी समाप्त, घोट टीम इस साल बहुत जल्दी दिसंबर में घोट के मैदान पर आपको गाउदेवी ट्रॉफी देखने मिलेगी। शिवा गोंदली इनकी ओर से बिगेस्ट टूर्नामेंट, और घोट गांव में जब भी टूर्नामेंट्स होती है तो दशरथ दादा पाटिल की आवाज़ सुनने मिलती है, अच्छे अच्छे कॉमेंटेटर की आवाज़ सुनने मिलती है। एक बड़ी लीग बड़ी टूर्नामेंट का आगाज घोट गाँव में शिवा गोंदली और गाउदेवी टीम घोट इनकी ओर से किया जाएगा, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सचिन पाटिल के बाद तीसरे नंबर पर सचिन पाटिल, एक और सचिन रोहित पाटिल, और इस बार देखिए ऐसा लगा कि रिप्ले दिखाया जाएगा, एक और कैच का मौका बना था लेकिन सिंगल मिला है। बैक टू बैक 2 विकेट आने वाले थे, कैच ड्रॉप हुई, 1 रन। रोहित पाटिल पहले गेंद पर आउट होने वाले थे, क्या छूटी है सेकेंड स्लिप के द्वारा, फ्लाइंग स्लिप जिसे कहा जाता है, मौका बना था विकेट का बैक टू बैक, लेकिन जीवन दान रोहित पाटिल को मिला। स्ट्राइक एंड पर है प्रीतम पाटिल, वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन ओपनर घोट टीम। टैपिंग क्रिकेट सम्मान दिया है, वेरी गुड फील्डिंग, गेंदबाज का रनअप बहुत ही बढ़िया था, खुद को संभाल के बल्लेबाजी हो रही है, 1 रन बल्ले से लगी और 1 के साथ टीम का टोटल थोड़ा आगे बढ़ेगा, 4 रन स्कोर कार्ड पर। घोट टीम 50 रन चेस कर रहे हैं तो प्रति ओवर 10.00 का रन रेट रखना होगा, तब जाके 50 बनेंगे। महेश 4 बने हैं और गेंदे हो चुकी है 4। गुड बॉलिंग सतीश जाधव, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस सतीश जाधव की, पहली ओवर पावर प्ले में कोर्ट के बल्लेबाज अपनी पावर नहीं दिखा पा रहे, गेंदबाजी में दम है, गेंदबाजी में ताकत है, गेंदबाजी में क्षमता है। यॉर्कर गेंद, ये ब्रह्मास्त्र क्रिकेट का मिचेल स्टार्क जसप्रीत बुमराह की याद दिलाई, मुश्किल होता है इस गेंद को हेलीकॉप्टर छक्का मारना, कोशिश की थी बल्लेबाज ने, बीट हुए डॉट बॉल की समाप्ति। गुड मैच, दर्शक चाहते कि यह मैच हाई वोल्टेज बने, यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, तेरे पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना आपकी उड़ान को देखता है। गेंद हवा में है, दूसरा विकेट क्या तलाश होगी पूरी, जी हाँ दूसरा विकेट मिला है सतीश जाधव को, सक्सेसफुल ओवर, पावर प्ले की ओवर समाप्त हुई और इस ओवर में 2 छक्के लगे गाउदेवी घोट टीम को, स्कोर रुका है महज 4, अब बची 4 ओवर और घोट टीम को यह मैच जीतने के लिए आवश्यकता है 46 रनों की। ये मैच तो हाई वोल्टेज है लेकिन अगला मैच पारगाव टीम को खेलना होगा। पारगाव टीम सदगुरु सीमेंट सप्लायर आपके खिलाड़ी तैयार रखे क्योंकि अगला मुकाबला पारगाव टीम और इनमें से जो टीम जीतेगी उनके साथ खेला जाएगा। हालांकि जो पहला मैच जीती थी वो रोइंजन बी टीम थी सुबह 10 बजे और उस टीम ने 5 घंटे आराम किया है, रोइंजन टीम भी वेटिंग में होगी क्योंकि 10 के लॉट्स में जो टीम पहला मैच जीतती है वो लकी ड्रॉ के सहारे तीसरे राउंड में पहुंचती है, तो दूसरा राउंड रोइंजन टीम नहीं खेलेगी, दूसरा राउंड पारगाव विपक्ष इनमें से जीतने वाली टीम का होगा। फिलहाल यह मैच कौन जीतेगा, क्या 4 ओवर में 46 बनेंगे, क्या घोट टीम इस मुकाबले को वन साइड चेस करेगी या यह मुकाबला हाई वोल्टेज विक फाइट और आग से भरा हुआ होगा। परीक्षा है बल्लेबाजों की, परीक्षा है गेंदबाजों की, गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट, स्लोअर गेंद, इन स्विंग,
गेंद ज्यादा टर्न हुई ऑफसाइड की तरफ, टॉट बॉल की समाप्ति। बल्लेबाज है इस वक्त रोशन सालुंके, एक और बड़ा नाम, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। रोशन सालुंके हमेशा पहले ओवर करते हैं घोट टीम की ओर से, पिछले 5 साल से पहले गेंदबाज का खिताब इनके नाम पर है। इनके ओवर में 14 रन आए, 1 विकेट लिया। रन वसूल करने के लिए रोशन तैयार। इस बार गेंद बहुत नीचे रही, क्या गेंदबाजी हो रही है। टप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल अंदर की तरफ निकलती हुई, इन स्विंग आउट स्विंग गेंदबाजी, अच्छी प्लानिंग के साथ गेंदबाजी हो रही है। एक अच्छा गेंदबाज बनना है तो आपको फास्ट गेंद नहीं फेंकनी, आपको गेंद को इन स्विंग करना है, आउट स्विंग करना है, और ये स्विंग गेंदबाजी होती हुई। लेट टाइमिंग बल्ले के किनारे पे लगी और ये सीधा निकल गई डीप लॉन्ग ऑन के बाहर, सीमा पार, 1 बाउंस, 4 रन। रोशन सालुंके के बल्ले से तूफानी चौका और टीम का टोटल है 8 रन स्कोर कार्ड पर। पहला चौका घोट टीम ने लगाया 9वें गेंद पर। कोई बड़ा शॉट नहीं आया अभी तक, यही एक बड़ा शॉट। वॉलेंटियर्स गेंद फेंकनी है मैदान में और जल्दबाजी करनी होगी वॉलेंटियर्स आपको। जिस तरह से गेंद गुम हो जाती है या भीग जाती है तो नया गेंद या फिर पुराने गेंद नियमानुसार इस्तेमाल किया जाएगा। रोशन सालुंके 14 रन दिए थे, मैंने कहा था अब रन वसूल करने की बारी और पलटवार करने की पारी आ चुकी है। मौका मिला है हीरो बनने का प्रीतम पाटिल और रोशन सालुंके को। घोटगांव की कई बड़ी बड़ी हस्तियां हमने इस मंच पर देखी। कुछ क्षणों पहले इस मंच पर आए थे घोटगांव के नगर सेवक आदरणीय ज्ञानेश्वर दादा पाटिल, जिनकी ओर से इस टूर्नामेंट के लिए 5,000 का आर्थिक योगदान दिया गया और उनका भी हमने हार्दिक स्वागत और सम्मान किया इस प्रतियोगिता के माध्यम से। रोशन सालुंके फिर से एक बार तैयार, चौका इनके बल्ले से आया, उम्मीदें बहुत ज्यादा है, वन ऑफ द फाइनलिस्ट बैट्समैन। ये जोड़ी अगर पार्टनरशिप अच्छी खेलती है तो घोट टीम ये मैच बिल्कुल जीत सकती है। दोनों तगड़े बल्लेबाज। यस, दैट्स अ बिगेट 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 बिगेट, डगआउट को सलामी देने वाला छक्का। खुद उनके कप्तान शिवा गोंदी ने यह आईवा कैच पकड़ा है सीमा पार 6 रनों के लिए। वेरी गुड शॉट रोशन सालुंके, कमाल का मैच। जिंदगी ना हमें गारंटी देते ना वारंटी, जिंदगी देते अपॉर्चुनिटी, यानी एक मौका जिसपे मारना होता है हमें चौका छक्का। चौका छक्का आया और टीम का टोटल है 14 रन स्कोरबोर्ड पर। गुड बैटिंग परफॉर्मेंस रोशन सालुंके। यस, इट्स साउंड क्वालिटी इनसाइड एज, बल्ले पे ब्रश हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई और इसी के साथ पारी समाप्त हुई। रोशन सालुंके को लौटना होगा डग आउट पर। बिग विकेट, बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में और वरोली सी टीम को मिलती हुई ये तीसरी सफलता। नीलेश मात्रे पिछले साल देखना है, लगातार हर साल इनका फॉर्म बदलता रहता है, इन फॉर्म आउट फॉर्म। 2021-22 का सीजन नीलेश मात्रे इन फॉर्म या आउट फॉर्म। बल्ले के ऊपर लगी है, फील्डर है और ये व्हाट कैच, बैक टू बैक विकेट, प्रेशर ऑन द बैट्समैन। घोट टीम की नैया बीच बॉल में फंस चुके हैं, ऐसे में इनके कप्तान शिवा गोंदली क्या ये नैया पार किनारे लगाएंगे, क्योंकि अब शिवा गोंदली का नंबर है मैदान के अंदर। एक और बड़ी सफलता, 4 विकेट के नुकसान पर 14 रन स्कोर कार्ड पर। टारगेट था 50 का, यानी अभी भी 36 रन। ये मुकाबला जीतने के लिए गौदवी घोट टीम को कुटारी के मैदान पर वडोलिसी के खिलाफ बनाने होंगे। क्या रन बनेंगे या रोक के जाएंगे। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में 5, पहले ओवर में 4, 2 विकेट, दूसरे ओवर में 10, 2 विकेट, दो ओवर का खेल समाप्त,
14 रन है टोटल। ये देखिए स्क्रीन पर 18 गेंदे 36 रनों की आवश्यकता, बहुत ही आसान लग रहे हैं, यानी 12 रन प्रति ओवर बन सकते हैं, लेकिन बनाने वाले चाहिए। क्या कप्तान शिवा गोंदली इस मैदान के अंदर ये रन बनाएंगे? एमएस धोनी रिकी पॉन्टिंग की तरह क्या पारी खेलेंगे, विनिंग पारी खेलेंगे, ये कई सवाल है इस मैदान के अंदर। अंपायर चलिए टाइम अलर्ट, इसके बाद और 4 मुकाबले बचे, मैच नंबर 7 है, हमने कहा था मैच नंबर 11 फाइनल होगा और हर मिनट का हिसाब यहाँ पर अंपायर से हम जरूर लेंगे। अंपायर है किशोर पोरजी धानसर, सचिन कंडू रोहिंजन। क्या अंपायरिंग की है सचिन कंडू ने, 2 LBW आउट दिया है वाकलन टीम को। बहुत मुश्किल होता है बैक टू बैक LBW आउट देना, वो भी ग्रामीण में, क्योंकि कैमरा क्लियरिटी इतनी नहीं होती ग्रामीण में। आपको थर्ड अंपायर यानी टीवी अंपायर सिर्फ नो बॉल के लिए मिलता है या फिर रन आउट के लिए, LBW के लिए नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद भी सचिन कंडू ने इतनी अच्छी अंपायरिंग की और किशोर पोरजी ने इतनी अच्छी अंपायरिंग की, तारीफें लायक। मैच की तरफ चलेंगे, तीसरे नंबर पर आए गेंदबाज चंद्रकांत पाटिल, WC ABC। इस गांव में 3 टीमें हैं और तीनों टीमों से लोग परिचित हैं, तीनों टीम अच्छी खेलती है, लेकिन कोई भी टीम जीते वडवली गांव का नाम रोशन होता है। 18 गेंदे 36, बैकफुट पे पंच किया, फील्डर है, कवर पॉइंट पर एक मिलेगा शिवा गोंदली। इनका जिक्र किया था कि MS धोनी के स्टाइल में मैच फिनिश करना है, अब देखना है कि वो कर पाएंगे या नहीं। जरूर, पिछले साल पोइंजे के मैदान पर 3 गेंद पे घोट टीम को 14 की जरूरत थी, शिवा गोंदली ने 2 छक्के मारे थे और मैच फिनिश किया था, 3 गेंद पे 14 बने थे। पिछले साल को याद करना होगा, वो यादगार पारी दोहरानी होगी, कॉलर उनकी टाइट है, बैटिंग भी टाइट होगी तो मजा आएगा। यह हवा में है लेकिन अंदर है ग्राउंड के, और यह शिवा बाहर, विजू ने कैच को लपका, शिवा हो गए बाहर। अब प्रेशर है गांवदेवी गोट टीम पर। गांवदेवी गोट टीम, आधी टीम बाहर हो चुकी है, 5 विकेट, आधी टीम डगआउट में, आधी टीम अब मैच फिनिश करेगी। प्रेशर ऑन द बैट्समैन, यही तो क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट खेलने बच्चों का इसमें तेल निकलता है अच्छे अच्छों का। टोटल है 15 रन, 35 रनों की आवश्यकता, 16 गेंदे 35। प्रीतम पाटिल पूरा भरोसा, घोट गांव का पूरा नजारा प्रीतम पाटिल के चेहरे पर होगा उनके बल्लेबाजी पर। जरूरत नहीं है रिवर्स खेलने की, आपके विकेट इतने गए हैं, और ऐसे में प्रीतम पाटिल रिवर्स का सोच कैसे सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्रिकेट में प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्रिकेट खेलिए। जरूर देखिए, जब पाकिस्तान से बिल्कुल जितने विकेट गए थे भारतीय टीम के, तब विराट कोहली ने प्रेशर को लूज किया था, हाफ सेंचुरी मारी थी, वो प्रेशर लूज करना होगा। फुल टॉस गेंद, अंदर गेंद है ग्राउंड के, 3 फील्डर, 1 रन मुकम्मल। अच्छी गेंदबाजी हो रही WC टीम की, परफॉर्मेंस अच्छा है, 50 का टारगेट, रोकने में उनके गेंदबाज अभी थोड़े से कामयाब होते हुए। स्कोर है गांवदेवी गोट टीम का 16, अब बची है गेंदे 14 और जीतने के लिए आवश्यकता होगी 34 रनों की, 14 गेंदे 34। इस बार गेंद थोड़ी सी बाउंस होके रफ्तार के साथ गुडलैंड स्पॉट से पिक हुई, विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल, कंफ्यूज बैट्समैन, बहुत ही कंफ्यूज है, जगह बनाकर खेलना चाहिए बैट्समैन को। अगर ऑफ साइड में इस गेंद को निकल के खेलते तो शायद लेग साइड में छक्का लगता, क्योंकि ग्रामीण के बल्लेबाज फाइन लेग में अच्छा छक्का मारते। और इस बार देखिए इनसाइड एज, एक और विकेट, अनिकेत मडवी बैक टू डग आउट, एक और सफलता। गांवदेवी गोट टीम की नैया बीच पावर में फंस चुकी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गॉट दिस सिचुएशन। 16 रन स्कोर कार्ड पर, अब 12 गेंदे बची है, 2 ओवर और मैच अगर जीतना है तो 34 रन, 17 रन प्रति ओवर,
जो शुरुआत में रन रेट 10 का था कृष्णा मात्रे, अब 17 का रन रेट बना है। यह मैच जीतना है तो दो ओवर में 17 के औसत से 34 कंपल्सरी चेसिंग फॉर गावदेवी घोष टीम। खुटारी गांव के जितने भी प्रतिष्ठित नागरिक मुकाबला देख रहे मैदान के बाहर से, उनसे निवेदन है कि आपकी जगह मैदान के बाहर नहीं, ये जो स्टेज बना है आपके लिए बना है। जितने भी मात्रे परिवार के या फिर और कोई होंगे खुटारी गांव के प्रतिष्ठित नागरिक, उनसे निवेदन है कि आप जो मुकाबला देख रहे बाहर से, आपको मंच पर आना है क्योंकि इसके बाद फाइनल के भी मुकाबले होंगे और आपके शुभास्थम ट्रॉफी देंगे, तो ये सम्मान आपको मिलेगा। आपके गांव के जो यंगस्टर खिलाड़ी चैत्रेश्वर कुटारे टीम के टीम मेंबर है, जो आयोजनकर्ता बने आज, खास करके उनकी अपेक्षा है कि आप मंच पर आइए, आपका हम हार्दिक स्वागत करेंगे क्योंकि ये प्रतियोगिता आपकी है, ये प्रतियोगिता खुटारी गांव की पहचान है और ये प्रतियोगिता खुटारी गांव की है। तो बिल्कुल आइए मंच पर, आपका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। चलते मुकाबले की तरफ, 12 गेंदे 34 की आवश्यकता, मजा आएगा मुकाबले में। प्रीतम पाटिल बहुत खामोश है, अगर ये अभी भी खामोश रहेंगे तो यह मैच जितना मुश्किल बनेगा। प्रीतम पाटिल को आग उगलना होगा, ऑन फायर होना होगा। बल्ले पर गेंद लगी ऑन साइड में, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है प्रीतम पाटिल के द्वारा, कॉन्फिडेंस नहीं है शॉर्ट सिलेक्शन में, एक रन मिलेगा। अब समीकरण में बदलाव होगा, बची 11 गेंदे 33 रनों की आवश्यकता, जबरदस्त मुकाबला। मैदान तब तक ना छोड़ना जब तक आप जीत नहीं जाते, जीत का परचम लहराना है तो जुनून लगन के साथ बल्लेबाजी करिए, क्रिकेट से लगन मेहनत करिए। मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज, उनको मुश्किल बन रहा है, एक और रन आउट, विकेट नंबर 7, 7 विकेट मैदान से बाहर, महज 3 विकेट बचे आपके पास। और ऐसे में प्रीतम स्ट्राइक को अगर बार बार रोटेट करेंगे तो उनके बल्लेबाज रन आउट भी हो सकते हैं, सोच समझ के उन्हें क्रिकेट खेलना होगा। 11 गेंद पे 33 बनाने हैं, 3 विकेट बचाने हैं, डॉट गेंद भी फेंकी जाएगी, काफी ज्यादा प्रेशर है बल्लेबाजों पर। लेकिन प्रीतम दूसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आए थे ओपनर के साथ, अभी तक मैदान के अंदर मौजूद है, यानी घोट गांव के दर्शक यूट्यूब पे अगर मैच देख रहे होंगे वो प्रीतम के कारण देख रहे होंगे। इस बार देखिए फील्डर है, गलत दिशा में शॉट खेल रहे हैं, शॉट सिलेक्शन में अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है। जबरदस्त गेंदबाजी, तारीफ लायक गेंदबाजी, 11 गेंदे 33 की जरूरत थी, अब बची 10 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता। जिंदगी हमें ना गारंटी देती है ना वारंटी, जिंदगी देती है अपॉर्चुनिटी, यानी एक मौका, और यही मौका मिला है कुमार पाटिल को। कुमार पाटिल फुल टॉस गेंद, फील्डर है, 3 गेंदे उसी दिशा में के लिए जहां पर फील्डर थे, ताकत का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो रहा है, फोकस नॉट ऑन टारगेट, फोकस टारगेट पे करना चाहिए बल्लेबाजों को, तब जाके सक्सेस मिलेगा। हर गेंद पे सिंगल, अब समीकरण देखिए, 8 गेंद 31 की आवश्यकता, 7 गेंद 31, मुश्किल बन रहा है, अब हवाई हल्लों की जरूरत पड़ेगी। प्रीतम पाटिल थक चुके हैं क्योंकि उन्हें लगातार दौड़ना पड़ रहा है और ऐसे में डॉट गेंदे भी आ रही है, और बड़ा स्ट्रोक कब खेलेंगे और बड़ा स्ट्रोक कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कई सवाल उनके जहन के अंदर है। 7 गेंद 31 की जरूरत थी, इस गेंद पे सिंगल आएगा, ओवर की समाप्ति होगी, यानी अब बची 6 गेंद और 5 छक्के, यानी 30 रनों की आवश्यकता। सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगाव टीम के कैप्टन कुणाल तारेकर टॉस के लिए आइए। इसके बाद सभी मुकाबले 3 ओवर के होंगे, ये सभी टीम ध्यान रखे, जितनी भी टीम मुकाबला जीती है। 6 गेंद 30 की आवश्यकता, नेवर गिव अप विदाउट अ फाइट, कभी हार मत मानिए, 6 गेंद पे 30 बनते हैं प्रीतम पाटिल हीरो बन सकते हैं, 5 छक्के मारने आपको। गेंदबाज कृष्णा, व्हाइट बॉल, अरविंद पाटिल के भाई कृष्णा,
ओवर कर रहे हैं इस वक्त वाडोली सी टीम की ओर से। स्लॉग ओवर, डेथ ओवर, अंतिम ओवर में एक कमजोर गेंदबाज होता है जिस पर रन बन सकते हैं, और प्रीतम सबसे मेन बल्लेबाज है, बना भी सकते है, बात बन सकती है गोट टीम। और ये देखिए शॉट सिलेक्शन, फिर से एक बार गलत दिशा, कॉन्फिडेंस नहीं है शॉट सिलेक्शन में, यही कारण बन रहा है, मुश्किल बन रहा है प्रीतम के लिए। आप देखिए जीतने के लिए 6 गेंद पर 30 की जरूरत थी, लेकिन अब 5 गेंद 28 की आवश्यकता, कंपल्सरी चेसिंग है इस गेंद पे, चौका छक्का बहुत जरूरी होगा। चलिए लगभग गोट टीम इस मुकाबले से हाथ धो बैठी है, यानी अब इसके बाद जो मुकाबला होगा शायद 99% पारगांव विपक्ष वडौली सी टीम, ये मुकाबला दर्शकों को जरूर देखने मिलेगा। 4 गेंद 27, नो एक्साइटमेंट नो रोमांच, मैच वन साइड। विकेट नंबर 8, 2 विकेट बचे इस मैदान पे, एक टीम ऑल आउट हुई इनामपुरी, लेकिन पहले मैच में नारुली टीम ने भी 9 विकेट गवाए। आज गेंदबाजों का बोल बाला इस खुटारी के रोहिदास मैदान पे रहा, ये विकेट बहुत लंबी है, 28 की विकेट है 26 की, इसीलिए यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज ज्यादा नहीं चलते। आपने देखा होगा जिस तरह से प्रशांत ने बहुत छक्के मारे स्पिनर गेंदबाज खिलाफ, यानी लंबी विकेट है 26 की, इसलिए स्पिनर गेंदबाज ज्यादा नहीं चलते, फास्टर गेंदबाज चलते, इस विकेट की एक खासियत है। दो गेंद बचे इस ओवर की, कुणाल तारेकर आइए मंच पर टॉस के लिए, पारगांव टीम आपका कप्तान भेजिए। विकेट नंबर 9, लास्ट बॉल लास्ट विकेट, कुमार पाटिल लास्ट गेंद जरूर खेलेंगे, लेकिन मैच वन साइड क्यों हुआ, तो मैन ऑफ द मैच कौन होंगे, ये दो जवाब के सवाल के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। मैच फिनिश, वडौली वन द मैच, कॉन्ग्रेचुलेशन वडौली फॉर ग्रेट विनिंग, एंड मैन ऑफ द मैच गोज टू अरविंद पाटिल, मैन ऑफ द मैच, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, एंड हार्ड लक शिवा गोदली, गोट टीम ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट मैच। सर्वेश थैंक यू फॉर कमिंग, सर्वेश पाटिल वेलकम। तो मैच जीता है इस वक्त वडौली सी टीम, एंड अरविंद पाटिल मैन ऑफ द मैच।